सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हैप्पी बर्थडे है और किसका है ये आप लोग बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज उनका बर्थडे है जो सबके दिलों पे राज करती हैं और दबंग की तरह हमेशा लोगों के बीच आती हैं। और कई सारी अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से, जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है, तो आज हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो मैं आपको सामने लाना चाहूँगी कि किस तरह से आज आपकी आकांक्षा अवस्थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो आकांक्षा, सबसे पहले तो फैंस को किस तरह थैंक्स बोलना चाहेंगी जिस तरह से फेसबुक पे कंटिन्यू आपको बर्थडे विशेष अपना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपकी प्यारी आकांक्षा अवस्थी और ऑडियंस को, फैंस को, जो भी हम मुझे प्यार करते हैं, इवन मेरे हेटर्स को भी मेरा ढेर सारा सा प्यार है, ढेर सारा सा थैंक यू है आप सबको, क्योंकि आप लोग मुझे कॉन्स्टेंट विशेस देते जा रहे हैं। मैं सबको रिप्लाई भले नहीं कर पाऊँ, मगर मुझे पता है मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी कर रही हूँ, उनको थैंक यू सो मच बोल रही हूँ। आज मेरा दिन है, आज मैं पैदा हुई थी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जब इतना सारा प्यार आज मुझे मिल रहा है आप लोगों का। आपको एक टाइट हग, बड़ा वाला हग, ढेर सारे से किसेस एंड थैंक यू सो मच प्रिया, तुम्हें भी एक किस। और मेरी तरफ से विश यू हैप्पी बर्थडे आकांक्षा, आज थोड़ी मोटी हो जाओ। थैंक यू सो मच, यू आल्सो हैव एंड बिग वन। यस, तो प्रिया मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, शालिनी प्रिया, इसका घर का नाम प्रिया है, मैं इसको प्रिया बोलती हूँ, मेरे साथ बर्थडे मेरा सेलिब्रेट कर रही है। मेरे लिए ऑसम सा केक लाई है, चॉकलेटी केक लाई है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसके साथ। आपने देखा क्या आकांक्षा कितनी खुश है, और हमेशा ही खुश रहती है जैसे आपने देखा। और आज बर्थडे है तो आज ये बच्ची कितनी खुश होगी आप खुद सोच सकते हैं। आपने नंबर तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन है तो बच्ची ही आप लोगों की, जो हमेशा क्यूटनेस से हमेशा ही अपने फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पर कोई भी कभी भी पीछे नहीं रहती है। तो आकांक्षा शादी के बाद आज पंगा बोल रही थी। यस, तो विवेक जी ने किस तरह से सरप्राइज दिया और किस तरह से बर्थडे की शुरुआत रात से 12 बजे हो जाती है, तो किस तरह का बर्थडे विश किया आप लोगों ने? फर्स्ट तो विवेक जी ने मेरे लिए डांस किया, जो बहुत शर्माते हैं ऐसे, वो डांस नहीं करते, बट उन्होंने मेरे लिए डांस किया। एंड उनका टैगलाइन था कल से मेरी जान का बर्थडे है, तो मुझे जब भी वो बोलते थे मेरी जान का बर्थडे, मुझे बहुत मजा आता था सुन करके। एंड उन्होंने मेरे एक सरप्राइज गिफ्ट किया, प्लैटिनम इयररिंग्स, एंड आई रियली लव इट। एंड केक कटवाया मेरा, डांस किया मेरा, मेरे भाई भी थे मेरे साथ में, मेरे लिए प्यार सब बुके लाया उन्होंने। तो लाइक उन्होंने मेरा कल मेरी नाइट बना दी थी। एंड ऑब्वियसली मैं बहुत हैप्पी हूँ, अभी वो पार्टी के लिए बाहर से जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं हम लोग, तो बहुत सारे से प्लान्स हैं उनके मेरे लिए। और हाँ, उनका भी बर्थडे 14th of November को था, तो हम लोगों ने सारा प्लान आज ही रखा है 15 को, कि हम लोग दो दिन से सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना एक दूसरे का। तो ये कितना मतलब लकी मानते कि वन डेज 14 को विवेक जी और 15 को आकांक्षा। या एक्चुअली हम लोग ने शादी करी जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे बर्थडे 14-15 थे। एंड आई फाउंड कि ये जो एक दिन पहले मुझसे पैदा हुआ है बंदा, तो ऐसा फील होता है, सॉरी, ऐसा फील होता है उनसे मिलने के बाद, ऐसा फील हुआ उनसे मिलने के बाद कि वो एकदम मेरे जैसे हैं। एंड डेफिनेटली ही इज़ माई सोल मेट, और मीन्स जो चीज़ें मैं उनके लिए करना चाहती हूँ वही चीज़ें वो मेरे लिए करना चाहते हैं, इवन मेरे कहने से पहले मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेटर लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकता था। आई गॉट माई बेटर मम्मी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है, मैं पहली बार किसी के साथ ऐसे डेट पर बाहर घूमने जा रही हूँ। लाइक मेरे मन में भी काम है, मैं किसी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, लाइक सिर्फ सिंगल पर्सन के साथ जब मैं सेलिब्रेट करूँगी तो दिल खोल के करूँगी। आज मेरा वो दिन है और मैं सब कुछ दिल खोल के कर रही हूँ। तो आकांक्षा जी, हर लड़कियाँ जिस तरह से सोचती हैं जब उनकी शादी हो जा रही है, उनका लाइफ पार्टनर हो, उसके जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन वो काफ़ी खास हो, तो आपने जो सोचा था कि जिस तरह से सेलिब्रेशन हो, जो आपके लाइफ पार्टनर हो, जो आपके सेलिब्रेशन करे, क्या वो सब पूरा हुआ है आज? हाँ, ऑब्वियसली जो सेलिब्रेशन होना चाहिए, मैं हमेशा से अपने मॉम डैड को कंप्लेन करती थी कि यार मेरा रात में बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर करना, ठीक 12 बजे केक काटना, तो फ्रेंड्स तो करते थे बट मॉम डैड नहीं कर पाते थे, बट उन्होंने वो चीज़ मेरे लिए करी है, मेरे लिए हर एक चीज़ डेकोरेट करी है, सजाया है, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा रात में बर्थडे सेलिब्रेट करा। तो मुझे जो चाहिए था ऑब्वियसली वो मुझे मिला है, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके साथ में। तो बर्थडे आज आपका बताना चाहेंगे कितने साल की होगी? आज छुपाएंगे बिल्कुल भी नहीं, मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लीजिए मैं कितने साल की होगी। फैंस से पूछेंगे कि आप कितने साल की? हाँ, ऑब्वियसली ये फैंस का टास्क है आज मेरे बर्थडे वाले दिन, कि प्लीज़ मेरी सही एज गेस करिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर,
करूँगी।